सो हाय एवरीवन, आई एम तान्या और ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है द बेगर का। इससे पहले मैंने आपको आई गेस दो पार्ट करा दिए हैं और जिसमें मैंने कि आपको बताया था कि किस तरह जो लश्कोफ था, जो बेगर था, वो किस तरह से बेगिंग करते थे। सरगाय जो थे उनका झूठ पकड़ लेते हैं, उसके बाद बेगर जो है उनको स्टोरी सुनाते हैं कि हाँ मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो सरगाय जो है उन्हें अपने पास जॉब पर रख लेते हैं वुड चॉप करने के लिए। उसके बाद जो है फाइनली जो बेगर होते हैं, जो सरगाय होते हैं, बेगर को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर उनकी कुक होती है ओल्गा, ओल्गा को बुलाकर वो बोलते हैं कि इन्हें ले जाइए वुड शेड में और इन्हें इनका काम सौंप दीजिए। उसके बाद ओल्गा जो होती है गुस्से में, जो होती है जो बेगर को देख के वो क्या होती है, बहुत गुस्से में होती है, बहुत हेट्रेड की नज़रों से देखती हैं। उसके बाद वो जो है उन्हें वुड शेड में लेकर जाती है गुस्से में और डोर को एकदम बैंग जोर से पटकती हैं, जोर से बंद करती हैं जिससे कि आवाज़ आए। उसके बाद ये सब जो है सरगाय जो होते हैं अपने डाइनिंग रूम की खिड़की से खड़े होकर देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, किस तरह से वो बैकडोर से बाहर यार्ड में आते हैं, यार्ड से वो जो है वुड शेड में जाते हैं। उसके बाद जो ओल्गा है उन्हें देखकर सरगाय जो होते हैं बैठे रहते हैं अपना दोनों हाथ जो है अपने मुँह पर रखकर और वो जो है कुछ सोच रहे होते हैं और ओल्गा जो है उन्हें गुस्से भरी नज़रों से देख रही होती है। उनको उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ओल्गा जो है अपने में बड़बड़ा रही है। ओल्गा को बेसिकली यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, ओल्गा को देखकर लगता है कि ओल्गा जो है वैसे ही वो गुस्से में थी बेगर के ऊपर और ऐसा लगता है ओल्गा जो है गुस्से में ही अपने अंदर बड़बड़ा रही है। उनके एक्सप्रेशन जो थे उससे पता चल रहा था, जो बेगर थे वो उनका जो थे एक्सप्रेशन को जो थे वो नोटिस कर रहे थे कि किस तरह वो कितना गुस्से में उनके ऊपर। उसके बाद जो हमें आगे पढ़ना था कि उसके बाद क्या हुआ, तो आई गेस मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था बिगिन टू स्कॉल्ड हिम, इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे। द बेगर इररेसोल्यूटली pulled a billet of wooden towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with an axe. उसके बाद जो बेगर था वो एक बिलेट का मतलब होता है थिक पीस ऑफ वुड, तो बेगर जो होते हैं वो एक वुड का टुकड़ा उठाते हैं अपने पैरों के बीच में रखते हैं और धीरे से वीकली हाथ से यानी धीरे से एकदम जो है एक्स कुल्हाड़ी से जो है वुड के ऊपर मारते हैं। उसके बाद क्या होता है, द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। उसके बाद जो बिलेट जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो क्या होता है, वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि हल्के हाथों से मारा था, वीक हाथों से मारा था, तो वो लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो गिर जाता है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। उसके बाद जो बेगर होता है वो उसे वापस उठाते हैं अपने जो है दोनों फीट के बीच में, दोनों पैरों के बीच में उसको रखते हैं। उसके बाद ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशनियसली एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर द स्टिक ऑफ वुड बिगिन अगेन फेल टू द ग्राउंड। उसके बाद ब्लू हिज हैंड, ठंड के मौसम में क्या होता है, वहाँ पे स्नो हो रही थी तो ठंड के मौसम में क्या होता है हाथ जम जाते हैं, तो आप हाथों को ऐसे रब करके उसमें ब्लू करते हो, उसमें फूकते हो क्योंकि जो हमारी मुँह से हवा आती है वो गर्म होती है। सो उसके बाद बेगर जो होते हैं वो अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, उस पर थोड़ा सा फूकते हैं अपने हाथों को, ठीक है, और उसके बाद वो वापस से एक्स उठाते हैं और जो है धीरे से मारते हैं। उन्हें जो होता है डर लगा रहता है कि कहीं ये एक्स जो उनके पैर पर ना लग जाए या कहीं खुद को वो चोट ना पहुँचा लें, तो वो डर डर के जो है वापस से एक्स उठाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। सर गाइस एंगर हैड वैनिश्ड एंड नाउ ही बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर बिहेविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकेंड परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मीनियल लेबर इन द कोल्ड। उसके बाद सरगाय जो होते हैं जो वो गुस्से में होते हैं बेगर के ऊपर कि किस तरह वो झूठ बोल रहा है, सरगाय का गुस्सा जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है जब वो बेगर को देखते हैं। वो उन्हें जो है खुद के ऊपर अशेम्ड फील होने लगता है, वो खुद के ऊपर अशेम्ड फील करने लगते हैं कि किस तरह से जो बेगर थे वो स्पॉइल्ड ड्रंकन थे, किस तरह से ये सब फैक्ट्स को साइड करके वो सोचने लगते हैं कि किस तरह से एक कमज़ोर मजदूर इंसान को जो है उन्होंने मीनियल का मतलब होता है मीनियल जॉब यानी कोई ऐसी जॉब जो बहुत छोटी सी हो लेकिन उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हो करने में, जैसे लकड़ी काटना छोटा सा काम है पर एफर्ट्स बहुत लगते हैं, मेहनत बहुत लगती है। तो सरगाय जो होते हैं उनको जो है खुद के ऊपर अशेम फील होने लगता है कि किस तरह वो कमज़ोर बेचारे इंसान को जो है ऐसी जॉब दे रहे हैं जो कि वो नहीं कर सकता या उसके बस की बात नहीं है, ठीक है। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। और एक घंटे के बाद जो है ओल्गा जो आती हैं और वो क्या बोलती हैं कि जो सारी लकड़ियाँ थी वो चॉप हो चुकी हैं, सारी लकड़ियाँ जो थी वो कट चुकी हैं, ठीक है। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, सेड सरगाय। तो सरगाय जो होते हैं वो उन्हें कहते हैं ओल्गा को कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, अब जो है बेगर को जो है हाफ अ रूबल, रूबल जो होती है रशियन करेंसी होती है, तो वो बोलते हैं कि अब जाके उन्हें हाफ रूबल यानी रूबल दे दिया जाए जो उन्होंने मेहनत की है उसका।
If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find worker for him. तो उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर जो बेगर है, अगर वो इंटरेस्टेड है यहाँ पर काम करने में, तो वो हर महीने की पहली दिन को जो है यहाँ पर काम करने आ सकता है. हम जो है हमेशा उसे काम देंगे या उसके लिए काम ढूंढ कर रखेंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव मेड हिज अपियरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल. वेव का मतलब होता है एक होमलेस पर्सन, ठीक है, जिसके पास घर नहीं होता. तो महीने के पहले दिन पर जो वो थे बेगर जो थे, वो फाइनली जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं. वो जो अपना अपीरेंस वहाँ पे, अपनी प्रेजेंस जो है सरगाय को जो है वो नोटिस करवा देते हैं कि हाँ फाइनली मैं जो है यहाँ पर आ गया हूँ. जैसा कि सरगाय ने बोला था कि आपको हर महीने की अगर आप चाहें तो काम कर सकते हैं. तो जो है बेगर जो है वो फाइनली उस महीने की पहली तारीख को जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं काम करने के लिए, और उनको फिर से हाफ अ रूबल वो कमा भी लेते हैं. Although he could barely stand on his leg, और वो अपने पैरों पे, वो इतने कमज़ोर थे, ड्रिंक करते थे, ड्रिंक कंज्यूम करते थे, ऑब्वियसली बात है कमज़ोर होंगे, तो वो काफ़ी कमज़ोर थे अपने पैरों पे, शायद ही बहुत मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, लेकिन वो फिर भी जो है अपनी अपेरेंस जो है सरगाय को जो है नोटिस करवा देते हैं कि हाँ मैं आया हूँ काम करने. From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him. और उसके बाद से जो है वो हमेशा जो है वहाँ पर आते थे काम करने के लिए, और हर टाइम जो है उनके लिए काम प्रेजेंट होता था. सरगाय ने जैसा कि बोला था कि हम आपको काम देंगे, आपके लिए काम ढूंढ के रखेंगे, तो सरगाय जो है हमेशा अपने प्रॉमिस के मुताबिक वो उनके लिए काम ढूंढ कर रखते थे. ठीक है, नाउ ही वुड शोवल स्नो. अब जो है शोवल का मतलब होता है हटाना, या जैसे कि स्नो जो होती है जिससे, जिस इंस्ट्रूमेंट से हटाया जाता है, जिस टूल से हटाया जाता है स्नो. तो अब जो है अब उनको सरगाय काम देते हैं, वो अब स्नो हटाने का काम करते हैं. नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर. लकड़ियाँ जो है वुड शेड में प्रॉपर मात्रा में लगाते हैं, ढंग से लगाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस. और मैट वगैरह पे, जो मैट्रेस वगैरह पे जो धूल मिट्टी जम जाती है उसे भी हटाने का, उसको झाड़ के हटाने का भी अब ये काम करने लगते हैं. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स. और हर टाइम ये सब काम करने के लिए उन्हें 30 to 40 कोपेक्स मिलते हैं. कोपेक्स मैंने आपको बताया था रशियन करेंसी होती है. एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वर सेंट आउट टू हिम. और कभी कभी तो उन्हें ओल्ड ट्राउजर जो होता है पेंट को कहते हैं, कभी कभी जो है उन्हें जो पुराने ट्राउजर्स के जो जोड़े होते थे वो भी दे देते थे सरगाय. ठीक है, वेन सरगाय मूव्ड इन टू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर. जब सरगाय जो है नए घर में शिफ्ट होने जाते हैं, तो उसके बाद जो है ये फिर से सरगाय जो है लश्कोफ बेगर को बुलाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उन पैकिंग में और फर्नीचर को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए. ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, दिस टाइम द वेव वॉज सोवर ग्लूमी एंड साइलेंट. उसके बाद क्या होता है कि जो सरगाय, जो लश्कोफ होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं. ठीक है, जो होमलेस वेफ, यहाँ पर मैंने होमलेस पर्सन बताया, काफ़ी कमज़ोर होते हैं. ठीक है, उनसे जो होता है खड़ा नहीं हो जाता, काम नहीं किया जाता. ठीक है, तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगी कि आगे का एक्सपीरियंस क्या था, किस तरीके से उन्होंने क्या किया. ठीक है, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय.